बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो आज है हमारा डे सिक्स ऑफ हेल्दी ईटिंग तो जिनको नहीं पता हम एक सीरीज स्टार्ट किया हमने जिसमें मैं आपको वो डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ जब मेरा वेट 60 के था और आज मेरा वेट 49 नाइन के जीज़ है येस कल मैंने अपना वेट अपडेट भी डाला था तो जिन जिन ने नहीं देखा लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कल की वीडियो चेकआउट कर सकते हो कि मेरा वेट सिक्सटी के कौन सी डेट को था और आज मेरा फोर्टी नाइन कैसे हुआ मैं डेली कुछ ना कुछ आपको हेल्थ

आई एम सो हैप्पी तो आपने सुबह की क्लिप तो देख ही ली होगी जब मैंने उसमें गर्म पानी पिया था लेमन स्क्वीज करके जो कि मैं डेली ही ले रही हूं अभी और उसके बाद अब बारी आ गई है ब्रेकफास्ट की तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है मैक्रॉनी ये मैक्रॉनी बनाई है आई नो मैक्रॉनी इतनी हेल्दी नहीं होती है बट आज संडे था और आप संडे को मतलब मैं भी जब अपनी वेट लॉस जर्नी में थी तो मैं संडे को एक चीट मील जरूर ले लेती ले थी इससे मैं वो मोटिवेटेड रहती थी कि चलो लोग हो भी रही है सपोज मोमो खाने की या फिर कुछ और जो आपको अच्छा लगता है समोसे बर्गर तो एनी मैं संडे का वेट करती थी कि चलो अब संडे आएगा मैं संडे को खाऊंगी ठीक है अभी बीच में आपने देखा होगा अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो आपने देखा होगा अभी परसों मुझे मैगी खाने की क्रेविंग्स हो रही थी बट मैंने मैगी नहीं खाई मैंने उसकी जगह पे वर्मी सिली खाया तो आई एम नॉट अलाउड कि मैं उस टाइम पे मैगी या कुछ और खाऊं इसलिए मैंने खुद को शांत करा और वर्मी सिली ही खा ली जो मैंने जैसी दिखती थी बट आज संडे है तो आज संडे को एक चीट मील तो बनता है संडे इज अ फंडे तो इसीलिए मैंने आज मैक्रोनी बनाई है ब्रेकफास्ट में ताकि वो दिन भर में मुझे एनर्जी भी प्रोवाइड करे और जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाए मेरी बॉडी में एज अ फैट एक्यूमुलेट भी ना हो तो और हाँ मेन होती है मैंने आपसे हमेशा बोला मेन होती है क्वांटिटी तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मैंने कितनी मैक्रॉनी ली है तो आप देख सकते हो मैंने कितनी मैक्रोनी ली है ये बस वन कप मैक्रॉनी है और अभी मैं इसको फैला दूंगी तो ये बहुत ढेर सारी हो जाएगी और इसको मैंने बनाया भी बहुत कम इवन बस दो चम्मच तेल में ओनली वन टू स्पून जिससे हम खाना खाते हैं उससे बना रखा है बस मैं इतनी सी मैक्रॉनी खाऊंगी और आज मैं अपना संडे को इंजॉय करूंगी इवन मैं इस मैक्रोनी को भी आराम आराम से अच्छे से बत्तीस बार चुबा चुबा के खाऊंगी ताकि ये जल्दी से मेरे पेट में जाकर डाइजेस्ट भी हो जाए और मेरे मेरे बॉडी में कोई भी तरीके का फैट भी अक्यूमुलेट ना हो ओके okay फ्रेंड्स तो अब मैं आराम से अपनी मैक्रोनी को एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक्स पे टाइम हो गया है हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक का जो कि है मेरी फेवरेट छाछ मैं ज़्यादातर 12 बजे के आसपास जब मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम होता है मैं छाछ पी लेती हूँ बट हाँ अगर आपको इस वक्त भूख लग रही होगी तो आप यहाँ पे इस वक्त एक फ्रूट भी ले सकते हो आप फ्रूट कॉम्बिनेशंस को अवॉइड करना बस या तो एक एप्पल ले लो एक बनाना ले लो एक गुआवा ले लो कुछ भी पर एक लेना ठीक है तो या तो फ्रूट ले लो और या फिर छाछ ले लो ये मसाला छाछ है नॉर्मली बस दस रुपए का एक पैकेट आता है देखो पहले आप जब ये हेल्दी ईटिंग नहीं करते थे तो आप दस रुपए के क्या कितने रुपए के मोमो और बर्गर समोसे टिक्की ये सब खा लेते थे राइट तो अब उन पैसों को थोड़ा बचाते हुए एक दस रुपए की छाछ तो आप ला ही सकते हो है ना ये मसाला छाछ है और ये एक गिलास भर के हो जाती है और पूरा पैकेट आप आराम से पियो एक पैकेट आप आराम से पी सकते हो और बहुत फ़िलिंग फ़ील होगा आपको और बहुत अच्छा फील होगा इसको पी के बहुत रिफ्रेशिंग सा टेस्ट होता है इसका तो इसको ज़रूर ट्राई करना जब से मैंने ये पीना स्टार्ट करा है मिड मॉर्निंग में मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है आप इस वक्त चाहो तो आलमंड्स और वॉलट्स को भी जो भिगो हो रखे होंगे आपने रात भर उसका भी आप पील करके उसको भी आप खा सकते हो ठीक है बहुत से ऑप्शनस होते हैं बट फ्रूट आप मैं प्रेफ़र करती हूँ या तो आप फ्रूट खा लो अगर फ्रूट नहीं खाना है तो आप ये पी सकते हो और या फिर या वॉलट जो होते हैं आपके जो नट्स होते हैं आप इनको भी खा सकते हो तो अब मैं इसको आराम से पीती हूँ इंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट लंच पे फ्रेंड्स तो अब हो गया है रात के डिनर का टाइम आज मैंने बनाया है ये मूंग दाल और चावल की खिचड़ी है ये बिल्कुल बिल्कुल ऑयल ऑयल फ्री खिचड़ी है है इसमें मैंने बिल्कुल नहीं डाला है। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में मैं इसकी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रखा है और ये है मेरी या सी खिचड़ी इसमें हल्का सा मैंने घी भी डाल दिया ऊपर से बिकॉज ये बिना ऑयल के बनी थी तो थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया और इसको मैं इन्जॉय करूंगी क्योंकि मैंने दिन में थोड़ा खा लिया था चिकन करी खा ली थी तो इसलिए मैंने सोचा कि रात में थोड़ा सा लाइट हो जाएगा क्योंकि इस ये जो चीज़ मैंने बनाई ये खिचड़ी ये बहुत लाइट होती है और ये बस आधे घंटे में पच जाएगी तो अपना डिनर आराम से इंजॉय करती हूँ इसको अच्छे से चबा चबा के एंजॉय करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नाइट ड्रिंक पे जो मैंने आज खिचड़ी खाई थी वो देखने में तो लग रही थी कि बहुत ढेर सारी है पूरी बड़ी वाली प्लेट एकदम भर के लग रही थी बट वो इतनी नहीं थी आ, वो बस मैंने कितना लिया लिया था मैंने बस एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल ली थी मूंग की और उसी से मैंने बना लिया था तो वो अराउंड हाफ कप तक बनी थी और वो फुल वन कप भी नहीं थी वो अराउंड हाफ कप बनी थी तो बस एक मुठ्ठी मैंने चावल और एक मुठ्ठी दाल लिया था फिर वो जितनी भी बनी मैंने वो खाया था तो वो इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं थी बट येस जबकि मैंने दिन में बहुत हैवी खाया है, इसलिए मैंने मूंग दाल की खिचड़ी लाइट होती है तो आप उस चीज को बैलेंस कर सकते हो कि आप रात में कम खाओ कम खाओ तो उससे जो आपका दिन का खाना है वो आपका बैलेंस आउट हो जाएगा तो आज मैंने जो रात में जो था मैंने कम नॉर्मली खिचड़ी खाई थी जिसके अराउंड वन ट्वेंटी कैलरी होती है उससे ऊपर नहीं होती बिकॉज उसमें तो ऑयल भी नहीं था सो so, यस yes, इस तरीके से आप अपनी बैलेंस करते हो अपनी डाइट को आई होप आपको मेरे सारी टिप्स जो मैं वेट लॉस के लिए दे रही हूं आपको अच्छे लग रही हो एंड अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए तो अब मैं अपनी नाइट ड्रिंक एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल के एक नए व्लॉग में ये सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है कि मैंने कौन सा डाइट प्लान यूज करा जब मेरा वेट अराउंडी के जीस था और अब मेरा वेट 49 नाइन है तो मैंने अपनी वेट अपडेट भी दे रखा है ऊपर आई बटन में एक लिंक आ रहा है आप उसपे क्लिक करके देख सकते हो मेरी वेट अपडेट जो मैंने कल ही शेयर करा है अपने चैनल पे एंड आई होप आप वो वेट अपडेट देखकर मोटिवेट हो और ये डाइट प्लान मेरे साथ फॉलो करो वो so, वीडियो जाके जरूर चेक आउट करना और देखना मेरी वेट लॉस जर्नी को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलती हूँ डे एट के ब्लॉग में